नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में एक राजयोग है। राजयोग एक राजा के समान जीवन देने वाला, आजकल में तो राजा नहीं है बट एक शासन में उच्च पद और जीवन में भौतिक सारे सुख प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल की रेखा की तरफ जाने वाली को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं, और बुद्ध पर्वत से चलकर एक गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम की रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन सा योग है, कौन से वो चिन्ह है जो इतने बड़े राजयोग को दर्शाता है। कहते हैं ना कि सफलता की कुंजी हमारी भाग रेखा को बताती है। सबसे पहले ये भाग रेखा प्रबल हो। प्रबल भाग रेखा जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त करती है, और ऐसे लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो वो अवश्य अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, एक शिखर पर पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम पौड़ी पे एक शिखर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारी भाग रेखा बताती है, हमारी ये प्रोग्रेस रेखा बताती है। इस जीवन की एक लक्ष्य है। अगर ये भाग रेखा में कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो आप हर सफलता को प्राप्त करते हैं। और इसी भाग रेखा के ऊपर ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत उठा होना चाहिए। कहते ना, एक गुरु का पर्वत एक मान का, एक सम्मान का है, आपको एक स्टेटस दिलाता है। और गुरु का पर्वत और ये सूरज का पर्वत, और सूरज की फिंगर बड़ी हो, सूरज का पर्वत उठा हो, ऐसे लोग जीवन में नाम यश सब कुछ प्राप्त करते हैं। और ये बुद्ध की रेखा, ये बुद्ध की रेखा जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य की भी रेखा, इसको बोलते हैं, ये बुद्ध के पर्वत तक पहुंचती हो, ऐसे लोग अपने जीवन में शासन में उच्च पद अवश्य प्राप्त करते हैं और जीवन के वो सारे भौतिक सुख भी प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ ही एक और साइन देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण साइन ये भी है। भाग रेखा का एक नियम है, अगर आपकी भाग रेखा प्रबल है आप अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। ये भाग रेखा की एक प्रबलता की निशानी हम मानते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी भाग रेखा, भाग रेखा प्रबल हो ये आपके लक्ष्य को बताती है, ये आपके स्टेटस को बताती है। व्यवसाय कैसा भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप सफलता की उस मुकाम को अवश्य हासिल करेंगे। और इसी के ऊपर बना हुआ ये तरह का ये त्रिशूल काफी शुभ साइन माना जाता है। और चंद्र का ये क्षेत्र है जिसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का पर्वत, और चंद्रमा के पर्वत से एक रेखा इस हमारे भाग रेखा में मिलती हो, काटती ना हो, मिलती हो, यह आपके अधिक प्रोसेस के बारे में बताती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में एक राजा के समान सारे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ऐसो आराम की जिंदगी पाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।